जम्मू काश्मीरमधील कारगिलकडे सर्वजण एक युद्धभूमी पाहतात, पण या युद्धभूमीत अनेक नैसर्गिक गोष्टी दडल्या असून त्या पाहण्यासाठी तिथलं पर्यटन वाढवण्यासाठी सरहद या संस्थेच्या वतीने तिसऱ्या कारगिल आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनचं आयोजन करण्यात आलंय. कारगिलला युद्धभूमी म्हणून ओळखलं जातं. सहसा तिथे गेल्यावर पर्यटक हा वॉर मेमोरियल पाहत असतो, पण कारगिलला निसर्गाची देण लाभली आहे. अशा निसर्गाचा अनुभव घेण्याकरता तिथल्या अशांततेच्या पलीकडे जाऊन कारगिलला एक वेगळी दिशा देण्याकरता या मॅरेथॉनचं आयोजन केलं जातं. 3 ते 60 किलोमीटर प्रकारात ही मॅरेथॉन येत्या 25 ऑगस्टला होतीये अशी माहिती संजय शहा यांनी दिली आहे. तर तेथील अशरफ अली यांनी जास्तीत जास्त संख्येने या मॅरेथॉनसाठी येण्याचं आवाहन केलंय. कारगिल बहुत ही खूबसूरत है. यहाँ पे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो इस टाइम पे बहुत मौसम है. इस टाइम पे वहाँ पे 3.5 फुट बर्फ़ है कुछ जगहों पर. हमारे नॉर्दर्न इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है वहाँ पर. सुरु वैली है वहाँ पे, ब्लैक रिवर है वहाँ पे, हमारे महाभारत के युग की का बहुत सारी वहाँ पे जो है अवशेष है वहाँ पर. आपका बालताल में अमरनाथ यात्रा जो होती है वो भी कारगिल से भी होती है. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने लायक. हमारे वहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट के आर्मी के वंशज हैं वहाँ पर. बहुत ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. जांस्कर है, फुक्तल मोनेस्ट्री है, 2500 साल पुरानी बुद्धिस्ट की वहाँ पे आपको अवशेष मिलेंगे. हमारे देश की बहुत सारी वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर. तो बहुत सारी देखने लायक चीज़ें हैं. और आप आइए, मेरी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र के सभी लोगों के साथ, आप दुनिया घूमते हैं, कारगिल भी आके घूमिए.